जो हमारे साथ बुरे हैं, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे अल्लाह पाक, दुख उनको भी ना दे। हमारी यही दुआ है, अपनों के लिए भी और दुश्मनों के लिए भी। हम गए थे दवाई लेने के लिए दोबारा से, इसकी दोपहर को तबीयत ख़राब हो गई थी। आधी रात को बर्तन धोना शुरू कर दिया आपने। अच्छा, ये इसने बाजार से खिलौना भी लिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से, हम भी ठीक हैं। और दुआ है तेरे वाले जहाँ भी रहें खुश हैं, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ मीठे मीठे प्यारे प्यारे फूल। ये देखें, आज दो जो है ना वो फूल निकले हुए हैं माशाल्लाह, ये और ये। और इस जो हमारा गमला है ना, इस गमले को नीचे से सुराख नहीं है, जिसकी वजह से पानी जो है ना वो यहाँ पे खड़ा हो जाता है। कल देखें, समीना ने यहाँ पे धनिया उगाया है लेकिन इसको पानी दिया ही नहीं, धनिया वैसा के वैसा कूड़ा पड़ा हुआ है इधर भी और इधर भी। देखें, ये हमने कल उगाई थी, ये है एलोवेरा, इसको भी इसने पानी नहीं लगाया, ये भी बेचारी वैसे की वैसे खड़ी हुई है। सबसे पहले हम देते हैं इनको पानी। बाल्टी मैंने पानी की भर ली है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह पाक करे जल्दी जल्दी हमारे धनिया वगैरह उग जाएं इस बिस्मिल्लाह की बरकत के साथ। सारे धनिया ऊपर ऊपर तैर गए हैं, ये देखें, जो ही पानी सूखता जाएगा धनिया ये बैठ जाएंगे और फिर ये पैदा होंगे। ये हमारा गुलाब का फूल भी ना, काफ़ी सारे इसकी टहनियाँ निकल रही हैं, ये देखें, ये टहनी निकल रही है, ये भी निकल रही है, ये भी निकल रही है, इसकी भी ये निकल रही है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनको पानी वक्फे वक्फे देना होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो पानी में खड़े हों तभी पैदा होते हैं, वरना होते नहीं हैं। अब ये देखें, जो हमारी गुलदुपैरी है ना, इसको हमने पानी नहीं दिया ना, अब ये फाटना भी शुरू हो गई है। देखें, ये निकल रही है चूंचें इसकी, पानी इसको दबा के देते हैं तो फिर ये जो पैदा नहीं होती और ये इसकी पूपने जो है वो नहीं निकलती। जैसा कि ये भी बिल्कुल सारी खुश्क हो चुकी थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से जो है ना ये ड्राई होना, सॉरी, ग्रीन होना शुरू हो गई है। ये देखें, ये पत्ते इसके बिल्कुल ग्रीन हैं, ये पत्ते से ग्रीन है, बाकी सारे पत्ते जो है ना ये देखें ये सूख चुके हैं, क्योंकि इसको पानी 3-4 दिन नहीं लगा। जब हम समीना के भाई के घर गए थे ना, 2 दिन वहाँ पे रहे हैं, जिसकी वजह से इसको पानी नहीं लगा और ये सारा इसके जो पत्ते थे ना वो सारे गिर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ सफाई वगैरह शुरू हो चुकी है, समीना जो है ना वो यहाँ पे फर्श की सफाई कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से, मतलब शुक्र है हम भी खैरियत से हैं, और हमारी दुआएं में देखो जहाँ पे रहें खुश रहें, बाद में इस तरह मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। अभी सफाई वगैरह जारी है। अच्छा, पहले कमरे की करिए हो या दूसरे कमरे की भी कर ली है अभी? बस यहाँ से कर रही हूँ। अच्छा चलें जी, माशाल्लाह। तो ये देखिए, जो है सफाई हुई है ना फर्श, माशाल्लाह ज़बरदस्त और क्लीन क्लीन हो गया है। वैसे यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास कचरा होता तो नहीं है घर के अंदर, फिर हमारे अरहम वगैरह वो खिलारता रहता है ना कचरा, बस अरहम का कचरा ही होता है जो वो खेल खेल कर ना वो डालता रहता है। अब ये देखिए, झाड़ू के ऊपर वाले टीले होते हैं ना, ये वो हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी मिट्टी वगैरह हल्की फुल्की है बस। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, पप्पू पास हो गया। पप्पू पास हो गया रम, पप्पू मैंने कहा पास हो गया, जो कई सालों से पप्पू फेल हो रहा था इम्तिहानों में, पप्पू पास हो गया अब। पप्पू आपका दोस्त स्कूल वाला, आप नहीं जानते उसको, पप्पू को जो आपके साथ पढ़ता है, वही मोटा पप्पू। हाँ वही वही मोटा, मुझे नहीं जानता, पतलू जानता है। पतलू जानता है, चलो वही पतलू पास हो गया। चलो जाओ जल्दी करो, कपड़े उतारो
और पहनो, चेंज करो अपनी यूनिफॉर्म, मट्टी में ना बैठो, ऊपर उठो। पाँव कोमड़े हुए हो गए हैं बुढ़े से? नहीं हुए आज? ये डेली आता है और जब जुराबे उतारता है ना, कहता है पापा मेरे पाँव जो है ना वो बुढ़े से हो गए हैं। हाँ जी, ये प्याज क्यों बना रही हो बात? यार हम रोटी खाएगा। इतने सारे प्याज क्या हम रोटी खाएगा? ज्यादा नहीं है हाँ? मैं मुझे तो भूख नहीं है ज्यादा, पिछली बार प्याज खाए थे फिर गला खराब हो गया। अजय अभी जी हम गए थे दवाई लेने के लिए दोबारा से, इसकी दोपहर को तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर मैं गया, मैंने कहा चलो दवाई ले के आते हैं। तो ये तिल का तेल है, ये हम खुद इसके ऊपर पढ़ाई करेंगे और फिर जो है ना ये भी इस्तेमाल होगा कानों के अंदर। तो चलें अब घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये दूध जो है ना वो आ चुका है। पहले हम आंटी वालों से दूध लेते थे ना, वो सुबह का टाइम दे देते थे हमें, तो अब जो है हमने 4-5 दिन हफ्ता एक दूध नहीं लिया क्योंकि समीना की तबीयत ख़राब थी ना, चाय हम नहीं बनाते थे। फिर आंटी ने सुबह के टाइम जो है ना, मेरी सिस्टर जो है उधर रहती है मेरे हमारे घर में अबेबू के साथ, तो उनके बच्चे दूध पीते हैं तो उनको जो है ना वो देना उसने शुरू कर दिया मेरी आंटी ने। फिर मैं हमने उन उसने उसने कहा शाम को दूध होता है, सुबह के टाइम उनको देती हूँ, शाम के टाइम जो है ना वो आप ले जाया करो। तो आज हम वैसे अपनी को अलग घर से दवाई लेके वापस उधर आए तो उसने कहा कि दूध अगर लेना है तो आप लेते चलें। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आप दे दें हम ले जाएंगे। तो फिर दूध भी लेते आए हैं और अभी हम दवाई भी ले आए हैं। तो अभी दोपहर को तबीयत इसकी काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसका जो ये वाला है ना ये इधर दर्द होना शुरू हो गया था, फिर ये ना ये बोलना मतलब बोल नहीं सक रही थी। तो फिर जो है ना हमने जो है ना वो और टैबलेट भी इस्तेमाल की हैं, खिलाई हैं समीना को मैंने, एंटीबायोटिक जो खा रही है पहले वाली ऑगमेंटन और एक और है वो है पेरोक्सी कैम्बीटा, वो जो है ना टैबलेट इस्तेमाल कर रही है, वो एंटीबायोटिक है, एक पेन किलर है एक एंटीबायोटिक है। वो तो हम 4-5 दिन से पहले ऑलरेडी इसको खिला रहा हूँ मैं, वो कोर्स करवाऊँगा मुकम्मल इसको इंशाल्लाह पाक करम करेगा। और बाकी ये जो है ना रोगन तिल इसको जो है ना हमने कान के अंदर जो है ना रात को सोते हुए डालना है, तो ये भी एक टोटका है हकीम साहब ने बताया हमें, तो इंशाल्लाह ये जो है ना इस्तेमाल करते रहेंगे साथ साथ। तो अभी ये इसने बाजार से खिलौना भी लिया है, इसने कहा है कि जी मुझे खिलौना लेके दो, ये ट्रैक्टर ट्राली। हाँ पापा देखो ऐसे दिला दो ना, ये डैड खा जाता है ये देखो। फिर मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी बनाया है। हाँ ये मोबाइल तो चार्ज लगा दो, लगा मैं सोच अब हो रहा है पेन या कुछ कम है, फर्क है कुछ पहले से? हाँ अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। तो दर्द कोई भी हो ना, यकीन करें दर्द बुरा है। मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी दर्द है ना, अल्लाह पाक करे कि हमारे दुश्मनों को भी कभी दर्द ना मिले। तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि हमें भी काफ़ी बार इस तरह के पेन हुए हैं, दर्द हुआ है। एक बार मैं काम पे जा रहा था, पेंटिंग के स्कूल का मैंने काम लिया हुआ था, तो मेरी जो ये वाली साइड है ना, ये वाली ये पीछे से ना जो परी होती है ये वाली, ये बंद हो गई। मैं ना तो ऐसे हो सकता था और ना ही ऐसे हो सकता था और ना ही मैं बैठ सकता था, तो ये मैं बाजू भी नहीं ऐसे हिला सकता था, इतना शदीद पेन था जिसकी कोई हद नहीं है। उस दिन मैंने मेरे ख्याल में कोई रात को मछली खाई थी, पता नहीं ऐसी कोई चीज़ खाई थी जिसकी वजह से मुझे ये जो है ना वो शुरू हो गया। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मुझसे पूछा कि रात तू क्या खाया था, फिर मैंने कहा कि मछली खाई थी, फिर उसने कहा कि इस वजह से ना आपका ये पेन शुरू हो गया। तो फिर उसने इंजेक्शन वगैरह लगाया मुझे, वो भी पूरा दिन मैं काम नहीं कर सका, मैं स्कूल में जाकर वहाँ पे सोया रहा, और उन दिनों में मेरा छोटा भाई मेरे साथ था तो वो बेचारा काम करता रहा, मैं तो पड़ा रहा ऐसे बस
थोड़ा सा पेन कम हुआ, फिर मैंने जाकर शुरू किया काम, फिर दर्द उठ पड़ा इतना शदीद दर्द, फिर मैं सो गया। मैंने कहा भार में जाए काम, मैं सोया हुआ हूँ। फिर एक दिन पूरा जो है ना उस पेन ने मुझे जलील किया, फिर जाकर वो ठीक हुआ पेन। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पेन जो है वो हमारे दुश्मनों को भी ना दे अल्लाह पाक। अल्लाह पाक हर इंसान को सुखी सेहत दे, बस हमारी यही दुआ है। जो हमारे साथ अच्छे हैं उनको भी सुखी सेहत दे, जो हमारे साथ बुरे हैं अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे अल्लाह पाक, दुख उनको भी ना दे, हमारी यही दुआ है, अपनों के लिए भी और दुश्मनों के लिए भी। तो बंदा अच्छा तो वो है जो अपने दुश्मनों को भी दुआ करे। हमारे नबी को जब पत्थर मारे गए, उनका जूता भी लहूलुहान हो गया, तो फिर भी साहबा ने कहा कि ऐ नबी, अब तो इन लोगों को आप बददुआ कर दें, अल्लाह पाक इनको गर्व करे। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूँगा। फिर भी अल्लाह पाक से दुआ की हमारे नबी ने कि ऐ अल्लाह, इनको सीधे रास्ते पे चला, सिरात मुस्तकीम पे चला, और इनको सीधी राह दिखा, और इनको हदायत अता फरमा। तो हमें नक्शे कदम पे चलना चाहिए उनके, और दुश्मनों को भी बददुआ नहीं देनी चाहिए, दुश्मनों को भी हमेशा दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमेशा उनको खुश रखे। और हम जो है ना आजकल बहुत गंदा बच्चा बन चुका है, अब कितना रात हो चुकी है, अभी कहता है मुझे ना चूरी बना के दो, और वो भी सालन की चूरी। हमने प्याज और अंडे जो है ना वो फ्राई किए हैं, एक अंडा और प्याज हमने काटा है तो वो फ्राई किया था, अब कहता है हमें मुझे इसकी चूरी बना के दो। वो प्याज और अंडे की चूरी कैसे बना के दें आपको हम? अंडा कहाँ पड़ा है? इसकी अमीना इसका अंडा बना रही है। इसका अंडा, आराम का अंडा कहाँ है? ये सफेद सफेद क्यों हो गया सारा? पीला किधर गया इसका? हाँ? अच्छा, चलो ये लो। हाँ चलो, बिस्मिल्लाह करके जाओ। चार पाई के ऊपर, मैंने कहा चार पाई के ऊपर जाकर बैठो। जो बात कर दूँ ना उस पे फोकस किया करो और समझ जाया करो, ठीक है ना? आगे से जबान ना चलाया करो। दो बातें आगे करेगा। वो हमारे बुजुर्ग कहा कह के गए हैं, सराकी में एक मिसाल है, ये समझेंदे आए, मतलब कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चा पैदा होता है वही बड़ों को सिखाना शुरू हो जाता है, कि पैदा होते ही वो बड़ों को सिखाना शुरू कर देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना होता है। आजकल का वो दौर आ चुका है। अभी देखिए कल ये हमारे हाथों से पैदा हुआ है और ये हमें समझा रहा है, नीचे बैठ के क्या चोर खा जाएंगे रोटी इसकी? हाँ चलो मुझे भी डाल के दो, मैं भी नीचे बैठा हूँ, कहीं मेरी रोटी भी चोर ना खा जाए। चलो दो, मैं जाता हूँ फिर। गरम कर रही हो? थैंक यू। मिर्चे नाली नहीं है, कहता मुझे फीका दे दिया अंडा। करके खा लो, अब जाओ ले लो इसे, खुद खा लो, क्या ले लो, उससे नहीं खा रहा। कहा जाएगा खुद ये पड़ा, ये किधर करेंगे? सुबह तो ये खराब हो जाएगा, इसमें अंडे और प्याज हैं, वो तो वही कर जाएंगे, वही बादी कर जाएंगे। सुबह खाने के लिए थोड़ी रहेंगे ये, वो खा लेगा खुद, फिर मैं ये खा लूंगा। बस अंडे प्याज दो उसको भी। नहीं, उस वक्त जो मैंने आपको कहा, मैंने कहा आराम आराम आप अंडे और प्याज खा लो, हाँ जिद की आपने फिर कि मैंने नहीं खाना, आप दोबारा खुद कह रहे हो कि मैंने अंडे प्याज खाने हैं। हाँ आधी रात को बर्तन धोना शुरू कर दिया आपने। अच्छा चलो कोई बात नहीं। वैसे यहाँ पे आपने दोपहर को क्यों इतना बर्तन? हाँ सुबह के, वही ना,
फिर आपने धोए नहीं, फिर चले गए हम दवाई लेने के लिए। तबीयत आपकी क्योंकि काफ़ी ख़राब हो गई थी ना, तो मैंने कहा चलो चलते हैं दवाई लेते हैं, चेक भी करवाते हैं। कान के अंदर ना, एक कान के अंदर होते हैं ना रैशेज, जो लाल लाल जगह होगी वो होती ना रैशेज हुए हुए होते हैं, एक कान में वो रैशेज हुए हुए हैं और दूसरे कान के अंदर थोड़ा सा ना वो इन्फेक्शन है थोड़ा सा। तो वो जो ये वाला हड्डी होती है ना ये आखिर में एंड में, तो अंदर से जो है ना वो हल्की हल्की ना वो पानी सा निकलता रहता है। तो वो जो है ना अभी एंटीबायोटिक खा तो रही है, इंशाल्लाह आप सब दुआ कीजिएगा जल्दी जो है ना रिकवर हो जाए। तो एक कान के अंदर रैशेज हैं, रैशेज भी आपको पता है वो हल्की हल्का पेन करते रहती हैं। मेरे कानों में भी ना दोनों कानों में रैशेज हो गए हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं कोई आबो हवा ऐसी चल रही है पता नहीं क्या। तो अब मेरे दोनों कानों में ना रैशेज हो गए हैं, मेरे कान भी हल्के हल्के दुखते रहते हैं और सेक निकलता रहता है कानों के अंदर से, पता नहीं अजीब है। अब मुझे भी ना वही, अल्लाह माफ़ करे बेचारे, उसको था उसके लिए मैं दुआएं मांगता था कि अल्लाह पाक इसको करे ठीक कर दे, और फिर वो मुझे और जाना होना शुरू कर दिया, हो गया। तो अल्लाह पाक करे कि मुझे भी, मैं भी ठीक हो जाऊँ और ये भी ठीक हो जाए। आप सब ने भी दुआ करनी है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे आकर? टांगे क्यों ऐसे फैलाते जा रहे हो? हाँ? ऐसे कैसे? सर्दी लग रही है आपको? हाँ। तो अंदर जाकर सो जाओ। अकेला सो जाओ। और नहीं तो क्या? अकेले सोने में क्या होता है आपको? डर लगता है। क्यों? सारे बच्चे सोते हैं, आपका दोस्त अली भी सोता है अकेला, आपको डर लगता है? हाँ? क्योंकि वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ। अब्बा अली छोटा तो है, कौन सा बड़ा है अली? अली मैं कह रहा हूँ, वो तो मुझसे तो बड़ा है। कहाँ बड़ा है? जो मुझसे बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा थोड़ी बड़ा है। हाँ मैं उसके मुंह तक उसके क्या हो मुंडे तक? अच्छा ये कंधा होता है ना, कंधा कहता है मैं अली के यहाँ कंधे तक आता हूँ, मुंडे तक आता हूँ। सराकी में मुंडा कहते हैं ना, ये सराकी में कह रहा है मुंडे तक है ना समीना तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी ईशा की गाने हो चुके हैं, तो इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करने के मिलेगा। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआ में याद रखिएगा, जैसा कि आपको हमेशा कहता हूँ, हम भी आपको हम अपनी हर दुआ में याद रख रहे हैं। तो तब तक लीजिए, अल्लाह से खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।